कटरीना कैफ और विक्की कौशल की जोड़ी देखने में बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, जो 9 दिसंबर को एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और इस तरह दोनों इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जिनकी इस पर्सनल लाइफ की तरह ही दोनों की प्रोफेशनल लाइफ भी बेहद सक्सेसफुल है, जिन्होंने अब तक बॉलीवुड को न जाने कई सुपरहिट फिल्मों से नवाजा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपर डुपर हिट फिल्में देने वाली इस खूबसूरत जोड़ी की फिल्मों में कितना फर्क है, यानी कि दोनों ने बॉलीवुड को कितनी कितनी फिल्में दी हैं और कितना फर्क है इन दोनों की टोटल मूवी में। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। अगर आप भी इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही अपनी फेवरेट जोड़ी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामी जोड़ी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, पर अगर बात करें इन दोनों की फिल्मों में फर्क के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं कैटरीना की फिल्मों के बारे में, जिन्होंने साल 2003 में आई अपनी पहली फिल्म बूम देकर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का खूब दिल जीता था और आगे चलकर पार्टनर, वेलकम और टाइगर जिंदा है जैसी तकरीबन 45 मूवीज में अभिनय किया, जहां उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाती हुई नजर आई है। अब बात करते हैं विक्की कौशल की फिल्मों की, तो आपको बता दे इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी। जी हाँ, इन्होंने साल 2012 में आई मूवी गैंग्स ऑफ वसेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था और इसके बाद इन्हें इसी साल लव सब ते चिकन खुराना मूवी में ओम का किरदार निभाने का मौका मिला था, जिसको इन्होंने बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था। तभी तो इन्हें ग्रीक आउट शॉर्ट मूवी में भी अभिनय करने का मौका मिल गया और इस तरह से इन्हें एक के बाद एक मूवी में अभिनय करने का मौका मिलता चला गया, जिसके चलते इन्होंने अब तक 17 मूवी में काम किया है, जिसमें राजी, संजू और भूत जैसी कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। तो इस तरह से कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की मूवी में 28 फिल्मों का फर्क है। जी हाँ, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की फिल्मों में 28 मूवीज का फर्क है, जिनमें कैटरीना कैफ ने बाजी मारी है। तो दोस्तों, आपका विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की मूवी के फर्क के बारे में जानने के बाद क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।